और अब आपको दिखाते हैं दो चोरों की वो तस्वीरें जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि चोरी करने की आदत और शराब की लत पड़ जाए तो एक दिन किस तरह से लेने के देने पड़ जाते हैं। ये दोनों चोर रंगे हाथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये पूरा मामला क्या है आप देखिए इस रिपोर्ट में। टॉर्च मारकर पुलिस का जवान इस दीवार की छेद के अंदर झांक कर देख रहा है। अंदर का नजारा देखकर वो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि अंदर सतीश और मुन्नियर नाम की दो चोर शराब की दुकान में चोरी की नियत से घुसे हैं। लेकिन गश्त लगा रही पुलिस की नजर इन दोनों पर पड़ गई। इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पुलिस ने दोनों को शराब की चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया। दरअसल दोनों ही चोर शराब की दुकान में छेद कर घुसे थे। इनकी प्लानिंग शराब की दुकान लूटने की थी, लेकिन इन दोनों का ही मन ललचा गया और चोरी कर भागने से पहले दोनों वहीं बैठकर शराब पीने लगे। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये एक छोटे से छेद से दुकान के अंदर घुसे कैसे। दरअसल तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में चोरी करते हुए दोनों शख्स को शराब से इतना प्यार था कि वो वाइन शॉप में घुसते ही ड्रिंक करने लगे। उनकी बस इसी आदत ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।